प्रभु के दर्शन हो गए, गणे खुश हो गए भाई, जन्नत सी में आ गए। मेरे को भी व्लॉग व्लॉग है। हाँ बिल्कुल, क्या राजकुमार व्लॉग। भारत में कोई ऐसा मंदिर होगा जहाँ पे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, आंध्र प्रदेश से। तो जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज राजकुमार व्लॉग। सो कैसे हो आप लोग, आई होप सब बढ़िया हो गए। तो दोस्तों जैसा कि हम पता है आपको, हम आए थे अयोध्या और आज हम हैं अयोध्या धाम के अंदर जो कि श्री राम मंदिर। जैसा कि आपको बताया, श्री राम मंदिर काफ़ी वर्षों के बाद बनाया, लोगों को बहुत सारी प्रतीक्षा थी, बहुत टाइम से 500 वर्षों से प्रतीक्षा थी, वो घड़ी अब दूर हो गई है, फाइनली मंदिर बनकर तैयार हो गया। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो मेन गेट है राम मंदिर का, यहाँ से ही अंदर जाते हैं और दर्शन करते हैं, यहाँ से लाइनें लगना शुरू हो जाती है। आप बाहर देख रहे हो CRP की पूरी फोर्स है लगी हुई, और अंदर जो है यहाँ से ही रास्ता है मेन मंदिर, जो मंदिर का है यहाँ से अंदर जाते हैं। और इससे पहले, मंदिर से पहले जाते हैं हनुमान गढ़ी, जो पहले दर्शन करने होते हैं, हनुमान गढ़ी के दर्शन करने होते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं सबसे पहले हनुमान गढ़ी और उसके बाद जाएंगे हम मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर वैसे फोन ले जाना मना है, पर देखते हैं कहाँ से कहाँ तक के दर्शन कर सकते हैं, बट उससे पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं हनुमान गढ़ी। तो चलिए चलते हैं। ये राम मंदिर के जो मेन रोड है, ये रोड के ही सीधे सीधे जाते हैं, जो हनुमान गढ़ी का रोड है मेन रोड, उस रोड को पूरा पकड़ना है और आगे की ओर चलना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे हो कि अयोध्या के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि अभी यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बहुत ज़्यादा रश होना शुरू हो गया है। सरकार ने मना भी कर रखा है कि यहाँ पर VIP लोग ना आए, और जनता काफ़ी कम आए, बट काफ़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं और दर्शन करने हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है। मैं आपको दिखाता हूँ अपने आसपास के माहौल किस तरीके का है। तो देखिए गाइस, कुछ इस तरीके का है अयोध्या का माहौल, है पूरी अयोध्या सज रखी है। ये देखिए हर तरफ भीड़ भीड़ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भीड़ रहती है, वैसे ही एक ये धाम भी बनने वाला है। और यहाँ पे भी लोग हर वर्ष में काफ़ी लोग आएंगे, बट यहाँ पे हमेशा ही दर्शन शुरू रहेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है कि मंदिर के कपाट बंद होंगे, तो यहाँ पे आप कभी भी दर्शन करने आ सकते हो आप। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं हनुमान गढ़ी, और आप मेरे पीछे देख रहे हो जहाँ मैं इस रोड पर चल रहा हूँ, एक टाइम पर ये रोड इतनी पतली हुआ करती थी, बट अभी यहाँ पर जब मंदिर बन गया है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारी रोडें बन गई हैं, 2 लाइन रोड है। और आप मेरे पीछे देख रहे हो शॉप्स भी हैं, सारी शॉप्स के ऊपर जो शटर हैं उन पर जय श्री राम लिख दिया गया है, और हिंदुत्व के प्रतीक चिन्ह हैं उन चिन्हों को बना दिया गया सारे शटरों पर, सारी दुकानों पर, सारी दुकानें एक जैसी लग रही हैं। पूरा अयोध्या ऐसा लग रहा है कि, मतलब सच बताऊँ, कल्पना नहीं की थी अयोध्या ऐसा कुछ दिखेगा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं। तो दोस्तों अभी हम राम मंदिर की ओर से चल के आ गए हनुमान गढ़ी के ओर, आप देख रहे हो यहाँ पे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पे हनुमान गढ़ी का बोर्ड लगा हुआ है। ये मंदिर से समथिंग 500 मीटर की दूरी पे हनुमान गढ़ी, और यहाँ से इसका मेन द्वार है हनुमान गढ़ी का। तो अभी चलते हैं हनुमान गढ़ी की ओर, और आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से रोड है हनुमान गढ़ी का, और यहाँ पे कुछ प्रसाद की दुकानें भी हैं, आप यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हनुमान गढ़ी की ओर, प्रसाद मंदिर के पास से भी ले सकते हैं, पीछे से भी ले सकते हैं, काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पे प्रसाद की। कुछ इस तरीके से अंदर की ओर रोड जा रहा है हनुमान गढ़ी को। तो दोस्तों ये छोटा से रास्ते से अंदर से निकल के आए हैं हम हनुमान गढ़ी के अंदर, और आगे बहुत ही भव्य नज़ारे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ज़्यादा पब्लिक है, और सारी पब्लिक भव्यमय हो रखी है राम के नाम में। तो अगर आप भी कभी अयोध्या आना चाहते हो और राम मंदिर के दर्शन करना चाहते हो तो ये वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो देखिए पूरी तरफ भीड़ ही भीड़ है, आप चारों तरफ भीड़ भीड़ देखेंगे, ये देखिए कितनी भीड़ है। आप मेरे पीछे देख रहे हो हनुमान गढ़ी का मंदिर, अभी इसी के अंदर जाने हम दर्शन करने वाले हैं, और बहुत सारे लोग दर्शन करने जा रहे हैं और आ भी रहे हैं, और यहाँ पर दर्शन करने के बाद सीधे जाते हैं राम मंदिर के द्वार में, और जो जो मतलब मेन राम मंदिर है, मेन राम मंदिर का धाम है उसके अंदर। और इसके पास में आप एक दशरथ महल भी है, वहाँ भी जा सकते हैं, आपको वहाँ भी लेकर चलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम दर्शन करने वाले हैं हनुमान जी के। और आसपास की मैं आपको मार्केट दिखा देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से शॉप्स हैं यहाँ पर, मंदिर के पास ही शॉप्स लग रखी हैं, ये प्रसाद की शॉप्स लगी हैं, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, ये देखिए सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर अंदर जाने से पहले हम ले लेते हैं प्रसाद। आप देख रहे हो हमारे पीछे प्रसाद की दुकानें लगी हैं, तो मैं आपको प्रसाद का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि हमें क्या चढ़ाना है। और अभी हनुमान को जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम लड्डू लेंगे, पीले बूंदी के लड्डू लेंगे, देसी का लड्डू है। अच्छा देसी का लड्डू, देसी घी का जी, ये सारे देसी घी के लड्डू है? नहीं नहीं, ये रिफाइंड में है, ये देसी घी का। अच्छा देसी घी में, रिफाइंड में, ये क्या रेट है? ये 400 रुपए किलो है, ये 200 रुपए। अच्छा तो मतलब किसी अपने श्रद्धा अनुसार जितना चढ़ाना चाहते हो ले सकते हो। अच्छा तो भैया मैं पूछ रहा हूँ, ये
जब से राम मंदिर बना है तो आपको कैसा लग रहा है कि आप खुश हो या नहीं? बहुत खुश है, सारे हिंदुस्तान। आपको लगता है कि अयोध्या में तरक्की बढ़ेगी? बढ़ी रही है ना। आइए आगे आपको बताने वाले हैं कि लोगों को यहाँ पे किस तरीके का लग रहा है, माहौल किस तरीके का है लोग यहाँ पे। भैया आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, दर्शन करके अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हो आप? हम पानीपत से। पानीपत से आए हो, तो ये भाई आए पानीपत से, आपके दर्शन हो गए राम मंदिर के? राम मंदिर नहीं, हनुमान गढ़ी के दर्शन किए हैं उन्होंने, अभी जा रहे राम मंदिर। तो इसके बाद राम मंदिर जाओगे? राम मंदिर जाएंगे। तो आपको अच्छा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा बता रहे हैं भैया। बढ़िया लग गया, स्वाद आ गया गति। अच्छा गति पर भूखे दर्शन हो गए, गणेश खुश हो गए, भजन नसीब आ गए। अच्छा तो अब इसके बाद राम मंदिर जाओगे? इसके बाद राम मंदिर जाएंगे, उसके बाद काशी विश्वनाथ जाएंगे। अच्छा चलिए चलिए बढ़िया। तो दोस्तों अभी हम मंदिर के अंदर जाने से पहले हमने यहाँ से कुछ प्रसाद ले लिया है, और प्रसाद भी यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं, देसी घी के लड्डू भी है, रिफाइंड के लड्डू भी है, दोनों का रेट अलग अलग है। आपके ऊपर जो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, घर कौन सा लेकर जाना चाहते हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। और सारी दुकानों पर रेट एक जैसा है, ऐसा नहीं कि किसी का रेट अलग है, सबके रेट एक जैसे हैं। देसी घी के लड्डू 400 रुपये किलो, तो 400 रुपये किलो है। हम दोनों ने 250 ग्राम पैक कराए हैं अपने, तो अभी हमने प्रसाद ले चुके हैं और अभी चलते हैं मंदिर और आपको भी दर्शन कराते हैं मंदिर के अंदर जाके। तो दोस्तों अभी हम सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने, और जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों अभी मंदिर के अंदर आ गए हैं और पीछे है मशीन लगी हुई, बट यहाँ पे हनुमान गढ़ी में फोन और अपना कैमरा आप ले जा सकते हैं, अलाउ है, कोई मना नहीं कर रहा है। और अभी हम आ गए हैं मंदिर के अंदर, और फाइनली हम आ गए हैं हनुमान मंदिर में। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ हनुमान मंदिर आगे, यहाँ पर लोग दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद हम भी दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं। ये देखिए ये हनुमान मंदिर है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो सबसे पहले यहाँ पर दर्शन करने पड़ते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों अभी हमने हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं और अपना प्रसाद चढ़ा दिया है हमने, बाकी प्रसाद हमें वापस दे दिया गया है। अंदर पुजारी हैं, पंडित हैं, वही लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, मेन मंदिर के अंदर बिल्कुल नहीं जाने दिया जा रहा है। सामने मूर्ति है, वहीं से दर्शन कर सकते हैं। और सच बताऊँ यहाँ पर त्रिमुखी बालाजी हैं बोलते हैं, जो हनुमान जी हैं वो सब, हनुमान जी की जो पहली मूर्ति है वो यहीं पर है, सबसे पहली मूर्ति यहीं पर थी उनकी, तो त्रिमुखी बालाजी हैं। तो हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए, कुछ इस तरीके का मंदिर है यहाँ पर, अंदर हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं। ये मेन मंदिर है, ये मंदिर का पीछे का हिस्सा है, देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य मंदिर है ये। ये हनुमान मंदिर है जो कि पहले का ही है, इसमें कुछ भी अभी नहीं चेंज हुआ है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं हनुमान गढ़ी से दर्शन करने के बाद राम मंदिर की साइड, और हम जा रहे हैं, ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ से लाइन लगनी शुरू हो जाती है और यहाँ से जो मेन रोड है रामधाम का, जो अंदर दर्शन करने हैं वो इसी रोड से जाते हैं। तो अभी हम अंदर आ गए हैं और अभी आपको आगे लेकर चलते हैं। आगे शायद आई थिंक मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं आपको दर्शन नहीं करा पाऊँगा, लेकिन मैं उससे जहाँ तक कैमरा जाएगा वहाँ तक का आपको बताता हूँ कि आप इस रास्ते से जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं मंदिर के पास में, आप देख रहे हो पीछे यहाँ पर चेकिंग है, यहाँ पर सारा चेकिंग होता है मेटल का। आपके पास कुछ भी अगर ऐसा संदिग्ध इंसान लगता है तो वहाँ पे ही रोक देते हैं। और आगे मंदिर परिसर की लाइन लगी हुई है, जो दर्शन के लिए आगे लाइन हो रही है, और आगे ही फ़ोन, आपके गैजेट सारे और जो भी मेटल का सामान है आपके पास, वो सारा कुछ जमा होने वाला है। तो मैंने सोचा आपको ये न्यूज़ मैं यहाँ पे ही दे देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ दूर से मंदिर के दर्शन कराने वाला हूँ। मेरे को भी ब्लॉग मिलोगे? हाँ बिल्कुल। क्या राज गंगवार ब्लॉग? राज गंगवार ब्लॉग। आप कहाँ से? गंगवार ब्लॉग। आप गाजियाबाद से हैं? गाजियाबाद से। क्या नाम है आपका? मेरा द्वीप नाम है और इसका कार्तिक नाम है, ये मेरा अच्छा, कजन है। तो फैमिली के साथ आए हो आप? हाँ, फैमिली। अच्छा के तो दर्शन हो गए आपके? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, हुई। बहुत अच्छा लग रहा है इसका अच्छा, स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। अच्छा, हमको मिला एक छोटा सा भाई, क्या नाम बताया आपने? मेरे द्वीप। ये काफी सुंदर लग रहा है, इसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत प्यारा सा लग रहा है, तो मैं क्या डाल दूंगा ये वाली। तो दोस्तों देखिए यहाँ से लाइनें लगना शुरू हो रही हैं, और यहाँ पे ही कुछ थोड़ी दूरी पे जाके आपका सामान सारा जमा हो जाएगा मंदिर के अंदर। तो अभी चल रहे हैं अपने फ़ोन को या सामान को मतलब लॉकर में रखने। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये अपने जो लॉकर की सुविधा है उसके लिए लाइन लगी हुई है, और ऐसी ही 14 लाइनें और लगी हुई हैं, लेडीज़ों की अलग है, जेंट्स की अलग है। अगर आप कभी भी आते हैं तो अपना सामान जितना भी है, आप अपना सामान होटल रूम में रख के आएँ या फिर आपने जहाँ पर प्रसाद लिया वहाँ पर रख के आएँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ऐसी लाइनों में लगना पड़ेगा, आप देख रहे हो, और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इन लाइनों में। अगर आपको अपना टाइम सेव करना है तो आप इन लाइनों से बचने के लिए अपना सामान बाहर रख के आएँ। मैं बता दूं अभी फ़ोन और गैजेट कैमरा सारा अलाउ नहीं है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है,
तो इस वजह से कि मतलब लोग अंदर फोन लेके जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, 10-15 मिनट उनको फोटो या वीडियो में लगेंगे, इसलिए उन्होंने अभी बंद कर रखा है कि ज़्यादा भीड़ ना लगे, लोगों को परेशानी ना हो इस वजह से। बट ये कुछ टाइम बाद आई थिंक जब सारा रूटीन में आ जाएगा तो शायद शुरुआत हो जाए, तो हम फिर से आएंगे एक बार। तो चलिए अभी चलते हैं दर्शन के लिए, अभी हम बिना फ़ोन और बिना कैमरे के अंदर जा रहे हैं, फ़ोन और कैमरा जमा कर रहे हैं, फिर आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं, अगर कुछ पॉसिबल हो पाता है तो हम आगे की क्लिप बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। दोस्तों अभी हमारे दर्शन हो गए हैं और हम आ चुके हैं मंदिर से बाहर, आप मेरे पीछे देख रहे हो ये यहाँ का एग्जिट है, और एंट्रेंस में दिखा नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था, और यहाँ पे आप अपने जूते चप्पल यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो, आप देख रहे हो ये जूते चप्पल कलेक्ट करने की जगह है। और यहाँ से आने के बाद अभी हम जा रहे हैं बाहर साइड में, थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता दूँ। देखिए मंदिर के जो दर्शन हो रहे हैं वो तो अभी परमानेंट है, मतलब आप कभी भी किसी भी टाइम आकर दर्शन कर सकते हैं, रात के 11 बजे तक दर्शन कर सकते हैं आप, और सुबह 7 बजे दर्शन शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद जब ये रूटीन में आएगा तो आप दर्शन करने के लिए 7 से 11 बजे तक के हैं, और उसके बाद आप 2 बजे यानी कि 7-11 बजे के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसके बाद 2 बजे खुलता है, उसके बाद दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं मेन मंदिर है, जो मेन मंदिर के अंदर प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता है, वहाँ से आपको एग्जिट के टाइम पर प्रसाद की एक कोटली दी जाती है, कुछ इस तरीके की दिखा देता हूँ मैं आपको ये जो है, और अंदर किसी भी स्थिति में आपको फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। और बता दूँ मैंने जो दर्शन किए हैं बहुत ही भव्य दर्शन हुए, सच बताऊं तो जो राम जी की मूर्ति थी उसको देख के आँखों में आंसू से आ गए, बहुत ही मतलब अंदर से भावुक हो गया मैं, और बहुत प्यारे नज़ारे बहुत प्यारे दर्शन हुए मुझे राम जी के, और देखकर अद्भुत मतलब मेरी ज़िंदगी जो मेरी लाइफ है पूरी धन्य हो गई उनको देखकर। जब ये मूर्ति स्थापित हुई थी तो ये अलग कलर की थी, जो कि ब्लैक कलर की थी, ब्लैक पत्थर था, ब्लैक स्टोन, और उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो जो मूर्ति का कलर है वो हल्का ग्रीनी शेड में आ गया है, बोलते लोग बता रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम जी की जो मूर्ति का कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, ब्लैक से हल्का सा ग्रीनी शेड में हो गया है। तो बस यही डिटेल मैं आपको बताना चाहता था, अंदर के दर्शन करा नहीं पाया मैं क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था, बाकी हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए, बहुत भव्य मंदिर है, और अंदर कम से कम नहीं तो 8 दरवाजे गोल्ड के हैं, मतलब जो मंदिर है आठ जो दरवाजे हैं पूरे गोल्ड के बने हुए हैं, और राम जी के जो आभूषण हैं सारे वो भी सारे गोल्ड के ही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही गोल्ड लगा है। भारत में कोई ऐसा मंदिर होगा जहाँ पे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये सारे लोग आंध्र प्रदेश से आए हैं, देखिए आंध्रा अब हिंदी नहीं जानते ना आप लोग, अच्छा तेलुगु, जय श्री राम, जय श्री राम, बस हम लोगों को बस सिर्फ जय श्री राम समझ आ रहा है, उसमें कलेक्ट कर पा रहे, इसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे इनका और ना ये मेरा समझ पा रहे। तो देखिए कितनी अजीब बात है ये, जय श्री राम को तो सभी जानते हैं, बस वो भी तो हिंदी में, बट जय श्री राम बोल पाते हैं, बाकी कुछ नहीं समझ पा रहे ना बोल पा रहे। तो दोस्तों अभी हम राम मंदिर से दर्शन करने के बाद आ गए हैं फिर से हनुमानगढ़ी वाली रोड पर, और हम जा रहे हैं दशरथ महल के दर्शन करने। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं दशरथ महल की तरफ, और आप मेरे पीछे देख रहे हो कुछ इस तरीके की शॉप्स हैं, ये सारी जगह आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे हर तरीके का सामान है, ये कुछ इस तरीके की शॉप्स लगी हुई है, आप यहाँ पे आके ख़रीदारी कर सकते हैं, और आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मंदिर के आसपास ही मिल जाएंगी आपको शॉप सारी। ये दोस्तों ये आ गए हम दशरथ जी के राजमहल की साइड, जो आप देख रहे हैं दरवाज़ा, ये बड़ा सा दृश्य। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, बोले ने आजा खाटू वाले अयोध्या के मोड़ के, बोले ने आजा खाटू वाले अयोध्या के मोड़। तो दोस्तों अभी राजा दशरथ महल के दरवाजे खुल चुके हैं दर्शन के लिए फिर से, और हम आ चुके हैं अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मेरे पीछे ये है दशरथ महल, और कुछ इस तरीके का दिखता है ये, देखिए मैं आपको पूरे दर्शन करा रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके का महल है ये देखिए, और अभी अंदर चल के दिखाते हैं, अंदर बैठते हैं सारे लोग, ये देखिए दशरथ जी के महल में, ये
ये दशरथ जी का महल है, बहुत पुराना। और कुछ इस तरीके का देखिए, ये दशरथ जी का महल है। दोस्तों फाइनली अभी हम आ चुके हैं सरयू घाट पर, जहाँ पे लेजर शो होता है रात में, जो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ सरयू घाट, और उसी के पास में घाट है जहाँ पे सरयू घाट की आरती होती है, वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। और उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ घाट किस तरीके का दिखता है लेजर शो से पहले। ये देखिए, अगर आप कभी भी आते हैं अयोध्या में तो राम मंदिर के बाद, राम दर्शन के बाद, आप यहाँ सरयू घाट पर लेजर शो देख सकते हैं, रात को आनंद ले सकते हैं लेजर शो के। ये देखिए सामने देख रहे हैं हमारे, ये सरयू घाट है और यहाँ पे अभी होने वाला है कुछ टाइम बाद लेजर शो। और सामने स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे स्क्रीनिंग भी चलने वाली है। और आपको दिखाने वाला हूँ वहाँ पे, मैं इस साइड में एक घाट है, सरयू घाट की आरती होती है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको आरती और उसके बाद दिखाएंगे लेजर शो, क्योंकि आरती के तुरंत बाद ही लेजर शो शुरू होगा। तो चलिए चलते हैं अभी आरती देखने। दोस्तों आपने अभी देखा, हमने आपको सरयू माता की घाट की आरती दिखाई, जैसे कि आपने देखा इस तरीके से आरती होती है। और अभी हम जा रहे हैं लेजर शो के लिए, जो कि थोड़े से ही डिस्टेंस पे है। आरती हमने देख ली है, अब हम देखने वाले हैं लेजर शो और आपको दिखाएंगे सरयू घाट का लेजर शो, जो रात में होता है करीब 7-7:30 बजे के बाद। पीछे देख रहे हैं लेजर शो, इस तरीके का लेजर शो चलता है यहाँ पर सरयू घाट के पास। और सामने जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले, यहाँ पर चलती है रामायण। तो बहुत ही प्यारे नज़ारे, बहुत ही भव्य नज़ारे हैं यहाँ के। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि इस लेजर शो का लुत्फ उठा रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, अभी हमने आपको दिखाया है यहाँ का लेजर शो जो सरयू घाट पे होता है। काफ़ी अच्छा था, नज़ारे काफ़ी अच्छे थे और सामने डिस्प्ले पर रामायण भी चल रही थी। तो दोस्तों ये थी हमारी अयोध्या की ट्रिप, जिसमें मैंने आपको राम मंदिर के दर्शन कराए, हनुमान गढ़ी के दर्शन कराए, दशरथ महल भी दिखाया और अभी दिखाया हमने सरयू घाट। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।